पहनना है, न्यू आपको तब मिलेगा जब आप स्कूल के लिए रेडी होगे अपने। ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी नहीं बनाना, नहीं बनाना, चले गोदी ले लूं। हाँ। तो फिर वीडियो कौन बनाएगा? आधा बनाएगी। चलो ठीक है चलो। तो आज भाई फर्स्ट डे है हमारे बच्चों का स्कूल में। और हम लेट क्या हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे है, थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लगता है हमारे बच्चों को, हमें भी। ओए धूप दिक्कत यही है। मैं अभी यही कह रहा था, मैं बोल रहा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब जैसे फर्स्ट डे है बच्चों का या किसी का भी, तो ये प्राइमरी वाले जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी कहेंगे ना, सब प्ले स्कूल कहेंगे, प्ले स्कूल होंगे, तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी प्रिपेयर होते हैं पूरे। वो देखो स्कूल जा रहे हो, स्कूल स्कूल जा रहे हो। और अभी मेरा भी गोइंग स्कूल। और अब क्या करोगे स्कूल में जाके? नहीं करोगे स्कूल जाके? फर्स्ट डे स्कूल, मैं यही ला रहा हूँ गाड़ी, यही लेके आ रहा हूँ। पीछे डॉगी है, थोड़ा ध्यान से। ये भाई हमारे नर्वस कदम स्कूल की तरफ बढ़ते हुए। फर्स्ट डे स्कूल में। नहीं नहीं, और आपके नानू भी आए हैं, वो खड़े नानू, वो खड़े नानू कहाँ हैं? दो दिन मंडे पहले पहुंचा। क्या कर रहा है? अच्छा, नमस्ते तो करो, नमस्ते करो, जय जय करो, हैंड पे छोड़ो। राम राम जी। राम राम। ये दांत रखिए, कटो भाई ये दांत। अरे मम्मी स्कूल जा रहा है। आपका भी ऊपर गई है? नीचे का, जल्दी भाग के आओ, आप भी भाग के आओ, जल्दी 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 आओ, इधर इधर इधर। अच्छा, गुड मॉर्निंग, आओ आओ अंदर आओ स्कूल में। पापा साथ चलो ना, क्या ऊपर देखो, ऊपर देखो, पहले न्यू बाबू है ये देखो। फसल गई होने कोई बात नहीं। आप दोनों को तो देख के लग नहीं रहा कि आप स्कूल में आए हो, यहाँ पढ़ना भी है। नहीं नहीं रोएंगी तो नहीं है, दो चार दिन में सेटल डाउन हो जाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी देखना है पापा। बट ये रोएंगी तो नहीं ना? नहीं, क्या पता रोए ना, नहीं रोएंगी तो रोए। ये इधर से, यहाँ से वहीं से ही है ना, मैं वहीं आ रही हूँ। ये तो खराब हो रहा है रास्ता। नहीं बट अगर रोएंगी तो फिर हम ले आएंगे। कंपनी मिल जाएगी, इतने सारे टॉयज हैं, खिलौने हैं, झूले वूले सब हैं। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक आ कैसे हैं? क्लास में जा रही हैं। आज उनका फर्स्ट डे, फर्स्ट डे आज है। हां जी, ओके। हाँ सही कह रहे हो, बोला कि आप ऐसे चेक करो, हम लोग क्लास में लेके जा रहे हैं इन दोनों को। नहीं अभी तो गए आराम से, तो उन्होंने कहा कि आप वेट करो, हम लोग इनको लेके जाते हैं। वो चुप, वो देखो मान नहीं रही, वो मान नहीं रही ना। मान नहीं रही वो। कोई नहीं ऐसे सेटल होगी धीरे धीरे, मुझे तो अपने आधे पर सेटल करना है। नहीं रो नहीं रही भाई, रो नहीं रही। मॉन्टेसरी लैब ऐसा कुछ कर रही है ना, ये है ना, मुझे याद आ गया देख के, मेरे को लगा रो रही थी। फील वाला था, सेंस करने वाला।
गेट खोलना आता देखो वो गेट खोल रही है गेट खोल रही है ये बहुत बनाएंगे अभी सबको शूज उतार दिए हैं शूज अलाउड नहीं है ना स्लैब में बोलो बंदा हमारा तो खेल रही है भाई छोटा बेसिक बेसिक चीजें हैं ये लाइब्रेरी में गरीब मम्मी पास जाना है मुझे खोलो गुड़िया रो रही है ना नहीं रो रही है रो रही है लग नहीं रहा तुझे पर रो रही है वो देख रही है वो देख रही है सोना रो नहीं रही हो मैं क्या रहा हूँ रो रही हूँ अगर रोती ना तो टीचर उसके पास चली जाती ये फैक्ट था उसको इसलिए छेड़ने नहीं क्योंकि वो चुप है वो थोड़ी सी वो हो रही होगी मेरे दिमाग में काम ही नहीं कर पाऊंगा मैं तो अलग अलग चीजें थोड़ा एक्सप्लोर करने का इसको हमारा तो मस्त है उसे एक्सप्लोर करने का अच्छा लगता है यार मैं अपने फर्स्ट मैं आपको सही बताऊँ मैं अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड का अभी वो फर्स्ट डे याद कर रही हूँ मैं इतना रो रही थी मुझे अभी वो दिन याद है अपना और ये तो अभी क्या प्री नर्सरी में गए बेचारे सौरभ ऐसे करता था बच्चे करते हैं हम तो प्रिपेयर्ड है पापा थोड़े से हो गए मस्त हो जाए सेट कोई बात हमारा तो खेल रही तब से हमारा बैठी हुई है सामने वाला ना थक जाए बंदा नहीं अब तो दोनों ही खेल रही है हाँ और आदिया भी खेल रही इनकी फ्रेंड भी आ गई है एंगेज हो गए अब दोनों मस्त हो गई अब एक गेम में मस्त हो गई हैं चलो जी पहला जो दिन है वो बच्चों का स्टार्ट एक तरीके से हो गया और अब पहले दिन के बाद की जो वीडियो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है उसके बाद तो मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ मैं कोई नहीं जितना हुआ थोड़ा बहुत मैं कर दूंगी हाँ तो रूमी आज हेल्प करेगी भाई ब्लॉगिंग में मेरी नहीं इनको जब लेने आऊंगी तो करूंगी ना वो करूंगी तो ये छुट्टी कितने बजे होगी इनकी 1 आवर के टाइम होगा अब लगा लो कितना तो हो ही गया है मेरे ख्याल से ले चलते हैं क्या बात कर रहे हो यार 1 आवर के अभी हाफ एन आवर भी नहीं हुआ अभी तो हमारा और आराध्य को जो छोड़ा है ना तो गुड़िया संभाल नहीं रही थी पापा बच्चों के ना बहुत डरते हैं घबराते हैं नर्वस ज्यादा हो जाते हैं मैं बच्चों के और मतलब फैमिली को ले लो इसको ले लो बच्चों को अगर वैक्सीनेशन लगना तब भी सौरभ उस रूम से बाहर ही होता हाँ मतलब नहीं देखा जाता ना बच्चा रो रहा है तो और कोई बात नहीं जब ऐसे माया भी ना उतने ही प्यार करती है लेकिन जब बच्चे के लिए जरूरी है ना उसके लिए स्ट्रांग बन जाते हैं ये समझ मैं नहीं कर सकता भाई मेरे बस की नहीं है मैं तो किसी का इधर उधर टेक टाक दूँ अगर मुझे पता लगे ना बिल्कुल भी तो मेरे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अब उन्हें उसके ऊपर छोड़ो तभी वो लोग स्ट्रांग बनेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे आप स्कूल में गए थे आज आप स्कूल में गए थे आज अच्छा लगा चलो मतलब इनको छोड़ने आए थे और इनकी छुट्टी भी करा के निकल रहे हैं हम लोग फर्स्ट डे है लाइफ में बच्चे बैठे हैं हमारे मेरे मालिक बस मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से कि बच्चों की रक्षा करना हमारे बहुत एक्साइटेड था मैं आज के पूरे दिन के लिए और बहुत अच्छा रहा बच्चों का एक्सपीरियंस भी कल देखते हैं मानेंगी नहीं मानेंगी कल कहीं गए हम नहीं जा रहे स्कूल चलो जैसे जैसे होगा फिर कनेक्ट करता हूँ आपसे बाय बाय टाटा टेक केयर चलो भाई ये लोग घर जाते हुए अब बाय चलो जी ये निकल गए हैं घर के लिए हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए छोड़ दिया मैंने ड्रॉप कर दिया सबको फर्स्ट डे मेरे बच्चों का बाय बाय बहुत अच्छा रहा मेरे बच्चों का फर्स्ट डे ऑन स्कूल में मैं थोड़ा सा नर्वस था नर्वस क्या मतलब थोड़ा सा रहता ही है कि भाई कैसा रहेगा क्या रहेगा बट इवेंचुअली सब अच्छा रहा और बढ़िया स्कूल सारा कुछ उन्होंने दिखाया मेरे को बिठा के ठीक है बट यहाँ ये था कि थोड़ा सा नर्वस थे हम लोग सारे कि भैया कैसा होगा हमारा कैसे रिएक्ट करेगी बट बच्चों ने ठीक रिएक्ट किया मेरे घबराए नहीं वो आफ्टर ऑल मेरे बच्चे हैं तो कैसे घबराएंगे वो तो अब
अब ये रोज चालू हो जाएगा, रोज स्कूलिंग इनकी चालू हो जाएगी, रोज सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो थैंक्स टू द स्कूल ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बच्चों को किया। थंबनेल देखोगे आप, थंबनेल भी उन्होंने फोटोज खिंचवाई, बहुत बढ़िया मजा आया आज उनके साथ। तो बाकी जितनी भी कार्रवाई होंगी, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इसलिए बोल भी नहीं पा रहा ज्यादा, थोड़ा सा बंदा इमोशनल भी होके चलता है।